ऑडियो और वीडियो आपको दोनों ऑफ रखना है ड्यूरिंग होल ट्रेनिंग। और जो भी लोग हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं तो अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कंपनी जो भी ट्रेनिंग करेगी उसके बारे में आपको पता चलेगा। आज हम सभी आपके प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि हर दिन हमारे साथ बहुत हजारों लोग यूट्यूब के थ्रू और जूम के थ्रू जुड़ते हैं। तो मेरा नाम श्वेता राय है, हार्वेस्ट की ट्रेनर हूँ और बहुत सालों से, लगभग 4 सालों से हार्वेस्ट की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में कर रही हूँ। बात करें, मैं हमेशा प्रोडक्ट ट्रेनिंग को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ प्रोडक्ट जो है वो हमारा मेन वेपन है। बहुत सारे लोग हमारे साथ इन 10 दिनों में, हमारे साथ हर एक ट्रेनिंग में जुड़े हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स में हर ट्रेनिंग में इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि मेरा मानना है कभी भी आप किसी ट्रेनिंग में जो बैठते हैं ना, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप जब भी कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हैं आपको कुछ ना कुछ नया चीज जरूर सीखने को मिलता है। अगर आप एक चीज को, आप एक बुक को भी शायद अगर 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको हर बार कोई नई चीज उसमें से सीखने को जरूर मिलती है। इसलिए आज की भी जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, स्टार्टिंग से एंड तक आपको सारी बातें बहुत ध्यान से सुननी है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम क्यों लेकर आए हैं, इस सीरीज को लाने का पीछे का जो मकसद है वो यही है, क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम पे हम सब अपने घरों में बंद है, तो क्यों ना इस लॉकडाउन को हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। जब हम इससे बाहर निकले तो हम और भी खुद को ट्रेंड हो चुके होंगे अपने प्रोडक्ट की नॉलेज को लेकर, और किस तरीके से आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए सारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की हम सीरीज लेकर आए हैं। और मैं कंपनी की MI लाइफस्टाइल की मैनेजमेंट और हार्वेस्ट की मैनेजमेंट को थैंक्स बोलूंगी कि उन्होंने एक अच्छा आइडिया निकाला जब लॉकडाउन के टाइम पे आपसे जुड़ने का एक बहुत अच्छा एक तरीका है। तो इसलिए, और हमारे, आपको बता दूं, हमारे बहुत सारे जो हार्वेस्ट के मैनेजमेंट के जो सीनियर्स हैं वो स्टार्टिंग से एंड तक हमारी सारी ट्रेनिंग को बहुत ध्यान से सुनते हैं ताकि आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। बात करें हमारी कंपनी, इसीलिए हमारी कंपनी का एक खुद का एजुकेशन चैनल है जिसको हम कहते हैं हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। इंडिया की फर्स्ट ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका अपना एक खुद का एजुकेशन चैनल है। हमारे जो चैनल का नाम है, हमारा जो एकेडमी है उसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। ये एकेडमी लाने के पीछे का एक मकसद बस यही था माय फ्रेंड, बहुत सारी कंपनीज लोगों को इस बिजनेस में बस जोड़ती है, हमारी कंपनी का टारगेट ये है लोगों को प्रॉपर एजुकेशन देना भी जरूरी है। एक कोई भी, जब हम अपनी लाइफ में भी पढ़ाई करते हैं तो कितने साल पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपए अपने स्टडीज पे खर्च करते हैं तो जाके मार्केट में हमें जॉब मिलती है। तो MI लाइफस्टाइल का भी यही मानना है कि जब हम अपने लोगों को इस बिजनेस के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देंगे, उनका फ्यूचर बताएंगे, उनको इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में अगर प्रॉपर नॉलेज उनको मिलेगी तो बिजनेस ग्रो करना उनके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। इसीलिए हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी, हमारी जो अकेडमी है वो आपको इस प्रोडक्ट सीरीज लेकर आई है। आप कंपनी से जितना जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। हमारा एक फेसबुक पे पेज है, इस पेज को आप जरूर लाइक करें, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इस पेज को आप जब लाइक करते हैं, कंपनी कोई भी ट्रेनिंग कहीं पे भी ऑर्गेनाइज करती है, कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी आप तक इस पेज के माध्यम से पहुंचाती है, इस पेज को आप लाइक करें। हमारी कंपनी 6 ब्रांड्स के साथ इस मार्केट में आई है। जैसा हम सबको पता है आज FMCG का मार्केट बहुत बड़ा है, कहते हैं इसका एक वीक का जो टर्नओवर है, एक हफ्ते का जो टर्नओवर है वो 6,000 करोड़, 6,000 करोड़ से भी ज्यादा है। एक जो साल का इसका टर्नओवर बोला जाता है वो 3 लाख करोड़ से भी बड़ा टर्नओवर है। हमारी कंपनी इसी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के साथ घुसी है, जिसमें अगर बात करें एलिमेंट्स वेलनेस जो हमारा आयुर्वेदा पे बेस्ड ब्रांड है, ऑन एंड ऑन हमारे ऐसे ब्रांड है जिसमें बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हमारी कंपनी लेकर आई है। ऑन एंड ऑन में हम आज जो भी आज हम प्रोडक्ट देखने जा रहे हैं वो एलिमेंट्स का है। ऑन एंड ऑन के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, आहार, न्यू स्टार, MI होम, ये घर पे जो चीजें हम यूज करते हैं उस कैटेगरीज में आती है। और इंडिया ग्रो, ये हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक ब्रांड है जिसमें हम ऑर्गेनिक जो खेती में, एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्ट यूज होते हैं उसका हम ये प्रोडक्ट का ब्रांड लेकर आए हैं। तो बेसिकली ये 6 ब्रांड्स के साथ हम प्रोडक्ट लेकर आए हैं। हमारी कंपनी हर एक सेक्टर में घुस चुकी है, आपको जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है वो सब आपको हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आज से बहुत साल पहले लोगों को इतनी बीमारियां सुनने को नहीं मिलती थी, 50-60-70 साल तक लोग बड़े आराम से रहते थे, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीजें मार्केट में आ रही है, जितनी नई फैसिलिटीज आ रही है, हमें बीमारियां भी नई नई सुनने को मिल रही है। क्या हमने कभी सोचा था कि हम अपने घरों में एक वायरस की वजह से बंद हो जाएंगे? बहुत सारे पिक्चर्स हमने, बहुत सारे हॉलीवुड के हमने पिक्चर्स देखे होंगे जिसमें हम देखते थे कि वायरस की वजह से लोग सालों साल अपने घरों में बंद है, हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था और आज हम ये चीज देख रहे हैं। तो अगर बात करें माय फ्रेंड, हमें पहले से प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन एक चीज जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है उसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम।
या ये इम्यून सिस्टम क्या है, हमने हमेशा ये इम्यून सिस्टम प्रतिरोधक क्षमता हमने बहुत सुनी है, 10 दिन से रोज मैं इस चीज में बात कर रही हूँ, क्योंकि माय डियर फ्रेंड अगर आप इम्यून सिस्टम के बारे में ए टू जेड अगर जान ले तो आपको पता चलेगा इम्यून सिस्टम कितना बड़ा रोल प्ले करता है। आपको पता है हम सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, छूते हैं किसी भी चीज को, हर समय हमारी बॉडी पे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस जो हमें ऐसी आंखों से नहीं दिखते हमारी बॉडी में जाते हैं। कहते हैं अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे कटे हुए आलू को देख लो या आप दही को देख लो तो उसमें आपको बहुत सारे बैक्टीरिया दिखेंगे, लेकिन कुछ हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो बात करें, हमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी एक ही कारण की वजह से होती है, जब हमारा इम्यून सिस्टम बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बताती हूँ, एक डेड बॉडी है, कुछ दिन छोड़ दिया, डेड बॉडी खराब होने लगती है क्योंकि वो डेड बॉडी जो बॉडी है वो खत्म हो चुकी है, उसके अंदर वो सिस्टम नहीं है जो बॉडी में बीमारियों से लड़ने में हेल्प कर रहा है। लेकिन हम जिंदा रहते, हेल्दी रहते, अच्छे रहते तो एक 24/7 एक डॉक्टर हमारी बॉडी में हर सेकेंड काम करता रहता है। एक एग्जाम्पल से समझिए, जिससे आपको पता चलेगा हमारी बॉडी एक्चुअल में कितनी पावरफुल है। जब किसी का हार्ट टूट जाता है तो जब डॉक्टर उनको प्लास्टर लगाते हैं तो आपको क्या लगता है उस प्लास्टर में कोई मेडिसिन होता होगा? बिल्कुल नहीं, उस प्लास्टर में कोई मेडिसिन नहीं होता, बस वो ऊपर से एक कास्ट चढ़ा दिया जाता है और बॉडी में इतना पावर होता है कि वो उस हड्डी को भी जोड़ने का ताकत रखता है। मतलब आप समझ रहे हमारी बॉडी में कितना बड़ा एक सिस्टम है, कितना अच्छा एक डॉक्टर है जो बहुत सारी बीमारियों को हमसे होने से बचाता है। कहने का मतलब क्या है, जब हम अपने इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं ना तो जाकर हमें बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। हमने इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आज स्टार्टिंग से एंड तक बहुत सारे फैक्टर देखे थे, जिसमें अगर बात करें आपको अगर बॉडी में जब हम ज्यादा सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं, पानी कम पीते हैं, नींद बहुत कम लेते हैं, बहुत सारे हमने फैक्टर्स देखे जो हमारे इम्यून सिस्टम को बीमारियों से लड़ने की ताकत को कम करता है। हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट देखे कि अगर बॉडी में कचरा जम जाए उसकी वजह से भी इम्यूनिटी कम होती है तो डेली टॉक्स काम करता है। बॉडी में खान पान अच्छे से नहीं जा रहा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू आपकी बॉडी की कम हो रही है, न्यूट्रिएंट नहीं जा रहा है, अच्छा पौष्टिक तत्व नहीं जा रहा है, तो उसके लिए हमने पिरना गोल्ड देखा। बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन जाता है तो उसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाता है तो 95 देखा। हार्ट को अच्छा रखना है, वेल हार्ट देखा। आज हम जो एक प्रोडक्ट को लेकर आए हैं उसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस का प्रोटीन पाउडर। आज प्रोटीन पाउडर के ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाकर बात करूंगी माय फ्रेंड, क्योंकि आपको पता है ये इतनी जरूरी चीज है ना जिसको बहुत सारे लोग आज अपने डे टू डे लाइफ में अगर ले तो बहुत सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। लेकिन प्रोटीन पाउडर के बारे में समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। तो कुछ टेक्निकल वर्ड्स आएंगे लेकिन मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी तो जो लोग नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के भी उनको भी बहुत आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले हमारी बॉडी में 5 चीजों की जरूरत रोज होती है। एक होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स। ये 5 चीजों की जरूरत होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो है उसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रो का मतलब बड़ा या ज्यादा और न्यूट्रिएंट का मतलब जो ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं। और मैक्रो न्यूट्रिएंट में 3 चीजें आती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। ये 3 चीजें हमें ज्यादा चाहिए होती हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमें कम चाहिए, सभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कम चाहिए, उसमें क्या होता है प्रोटीन सॉरी विटामिन्स और मिनरल्स, ये हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। बोला जाता है कि इंडियन जो थाली होती है, हमारा जो इंडियन खाना होता है वो एक कंप्लीट मील बोला जाता है। क्यों? हमारे खाने में हम चावल अच्छे से लेते हैं, 2 रोटियां भी खाते हैं, साथ में दाल भी खाते हैं, थोड़ी सी सब्जी होती है, कभी कभी चटनी होती है। मतलब क्या है, जो आपका चावल दाल जो है रोटी है ये आपको कार्बोहाइड्रेट देता है, उसमें अगर हमने घी डाला तो हमें फैट मिलता है, हमारा जो दाल है वो हमें प्रोटीन देता है, जो सब्जियां हैं वो मिनरल विटामिन्स देती हैं। तो ये सारी चीजें हमारा जो इंडियन डाइट है वो एक कंप्लीट मील माना जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, आप जब अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट डालते हैं बॉडी उसको स्टोर कर सकता है, लेकिन बॉडी के पास जो पावर है प्रोटीन स्टोर नहीं करने की, मतलब बॉडी में जब प्रोटीन जाता है तो बॉडी उसको स्टोर नहीं कर पाता है। इसीलिए प्रोटीन को एक जरूरी चीज क्यों बोली गई है, इसीलिए बोला जाता है प्रोटीन हमें रोज हमारे खाने से लेना पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन आपका बॉडी स्टोर नहीं कर पा रहा। अब होता क्या है, आपने जैसा खाना खाया, खाने में हमारे जो भी प्रोटीन है, अगर आपने राजमा खाया, चिकन खाया, आपने एग खाया या आपने दाल खाया, जो भी प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता है बॉडी क्या करता है उसको तोड़ देता है। जैसे उसको जब तोड़ता है उस वर्ड को, उस चीज को हम क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड्स। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो दूसरी जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा खाना है प्रोटीन उसको बॉडी तोड़ देता है अमाइनो एसिड में।
ये अमाइनो एसिड का वर्ड आपको याद रखना है अगर आपको प्रोटीन समझना है तो। अब एग्जाम्पल से समझिए, अगर मैं आपको ए बी सी से लेकर जेड तक दे दूं और मैं बोलूं कि ए से लेकर जेड तक को मिलाकर आप कितने वर्ड्स बना पाएंगे, आप बोलोगे हजारों लाखों वर्ड्स, जितने भी एक डिक्शनरी में वर्ड्स हैं वो सारे आपके ए से जेड को मिलाकर ही बनाए गए हैं। उसी तरीके से हमारा बॉडी क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है किसमें, अमाइनो एसिड में, और वो कितने टाइप्स के होते हैं, लगभग 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं। अभी दो और नए आए हैं लेकिन आज हम 20 पे ही बात करेंगे। तो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हमारा बॉडी प्रोटीन को तोड़कर बनाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, उसमें से 9 ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपका बॉडी नहीं बना पाता है, इसीलिए हम उसको एसेंशियल मतलब जरूरी अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो वो अगर बॉडी नहीं बना पा रहा तो वो कहाँ से मिलेगा, आपके खाने से मिलेगा, जो हम खाना खाते हैं उससे वो अमाइनो एसिड जो जरूरी बॉडी नहीं बना पा रहा वो हमारी बॉडी में जाता है। अब होता क्या है, ये जो प्रोटीन आपने खाया, प्रोटीन बॉडी में गया, बॉडी ने उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद जो अमाइनो एसिड्स बना वो हमारी बॉडी में एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाने का मतलब बिल्डिंग ब्लॉक जैसा काम करता है, बहुत सारी चीजों में वो हेल्प करता है। वो अमाइनो एसिड्स क्या होगा, जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां चला जाएगा। जैसा आपको पता है प्रोटीन आपकी बॉडी में हर जगह होता है, आपकी बाल हो गए, आपकी आंखें हो गई, आपकी स्किन हो गए, आपके नेल्स हो गए, आपकी मांसपेशियां हो गई, मसल्स हो गए, बोन्स हो गए, मतलब आप नाम लीजिए और उसमें आपका प्रोटीन पाया जाता है, आपका ब्लड हो गया, हर चीज में प्रोटीन पाया जाता है। तो जहां जिसकी जरूरत है वो अमाइनो एसिड वहां पे चला जाता है और वहां पे साथ में फिर से जुड़ जाता है और एक नया तरीके का प्रोटीन बन जाता है, बॉडी उसको यूज कर लेता है। तो ये प्रोटीन के पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताया है सिंपल लैंग्वेज में। बोला जाता है दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, एक होता है कंप्लीट प्रोटीन, एक होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन में क्या आता है, कंप्लीट प्रोटीन में जो भी आप नॉनवेज खाते हैं, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो एग हो, चाहे वो मीट हो, या कुछ भी ऐसी चीजें जो जानवरों से आई हैं, कुछ भी ऐसी चीजें, चाहे वो मिल्क, एग, चीज, पनीर, कुछ भी हो, जो भी चीजें जानवरों से आई है बोला जाता है वो जो प्रोटीन होता है। लेकिन इसमें सोया और टोफू भी आता है कंप्लीट प्रोटीन में, लेकिन मोस्टली जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं उनको बोला जाता है आपको प्रोटीन तो पूरा मिलता है, जब आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको प्रोटीन पूरा मिलता है, इसीलिए उसको कंप्लीट प्रोटीन बोला जाता है। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जब भी मैं कंप्लीट प्रोटीन का ये वर्ड यूज करूँ ना, तो वो प्रोटीन कंप्लीट माना जाता है जिसमें वो 9 अमाइनो एसिड जो आपका शरीर नहीं बना पा रहा वो उसमें पाया जाता है, उस चीज को हम कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। तो अगर आप चिकन खा रहे हैं, एग खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, सोया टोफू, ऐसी बहुत सारी चीजें आती है, तो आपको कंप्लीट प्रोटीन देता है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जो भी चीज नॉनवेज, जो भी चीज जानवरों से आती है वो आपको प्रोटीन तो देती है बट आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाने में मदद करती है। तो अगर बात करें जो लोग ज्यादा भी नॉनवेज खाते हैं आगे चलकर कुछ कॉम्प्लिकेशन देखी जा सकती है। लेकिन इनकम्प्लीट प्रोटीन हम किसको कहते हैं, अगर आप बस दाल खा रहे हैं सारा प्रोटीन नहीं मिलेगा, अगर बस चावल खा रहे हैं तो सारा प्रोटीन नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आपको पता, आप हमने सब अपने घरों में हम ये चीज देखते हैं, हमारे खानों में कुछ चीजें फेमस है, दाल चावल, राजमा चावल, खिचड़ी, हम एक दो चीजों को जब मिलाकर वेजिटेरियन खाने में खाते हैं तो ही वो कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, अभी आप बीमार हैं, आप एक काम करो, आप खिचड़ी खाओ, खिचड़ी जो होता है उसमें दाल चावल इक्वल प्रोपोर्शन में होता है, तो आपको पूरा न्यूट्रिशन, पूरा पौष्टिकता तो मिलता है, पूरे तरीके के प्रोटीन आपको मिलते हैं। इसीलिए अगर बात करें शाकाहारी खाने को इनकम्प्लीट बोला गया, हमें एक दो चीजें उसमें मिलाकर खानी पड़ती है। बात करें प्रोटीन के क्या क्या रोल है हमारे बॉडी में, कहते हैं प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो हर एक चीज में काम करता है। अगर जैसे बात करें हर एक चीज में प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल है, मैंने आपको पहले भी बताया प्रोटीन आपके आंखों से लेकर, आपके बाल से लेकर, नेल से लेकर, आपके स्किन से लेकर, आपके खून से लेकर, आपके मसल्स, आपके बोन्स, हर एक चीज में प्रोटीन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कुछ चीजों को मैं थोड़ा सा डिटेल में जाकर बात करती हूँ। सबसे पहला जो कैटेगरी जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा हेल्प करता है वो है हमारा डिफेंस, मतलब जब भी बाहर से कोई चीज हमारी बॉडी पे हमला करती है, अटैक करती है, कोई भी बाहर से कोई कीटाणु अटैक करते हैं, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज होते हैं जो उससे लड़ने का काम करते हैं, मतलब ये आपकी बॉडी के सिपाही होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, लड़ने का काम करते हैं। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, एंटीबॉडीज अच्छे से नहीं बन पा रहा, तो आप इंटरनली जो होगा आपका जो इम्यून सिस्टम होगा वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम कम होने लगेगा तो बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो प्रोटीन क्या कर रहा है, आपको बीमारियों से बचा रहा है।
दूसरा काम क्या करता है, प्रोटीन कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। इसमें मैं इंसुलिन के एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। हम सबको पता है जब भी हम खाना खाते हैं बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता है तो आपका जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन एक तरीके की चाबी है, वो आपके कोशिकाओं के सेल्स के पास जाता है, उस पर लगा हुआ ताला खोलता है, तब आपके खून से शुगर निकल कर आपकी बॉडी में चला जाता है। तो ये इंसुलिन जो है, ये चाबी जो है, वो क्या है, वो एक तरीके का प्रोटीन ही है। तो अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो आपकी चाबियां अच्छे से नहीं बनेंगी, इंसुलिन अच्छे से नहीं बनेंगे, तो शुगर कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को ये भी बोला जाता है खाने में अच्छे से प्रोटीन भी आप लेते रहें। जब आप प्रोटीन लेंगे तो आपके जो प्रोटीन की वजह से जो शुगर कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आ रही है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। तो जैसा आपने देखा, लड़ने में भी मदद कर रहा है, इंसुलिन बन के भी मदद कर रहा है। तीसरी चीज है, आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे तरीके के एंजाइम्स होते हैं। जैसे जब आप खाना खाते हैं, आपने खाने में चावल खाया, राइस खाया, आप जब राइस खाते हो तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए एक अलग एंजाइम होता है। आपने घी खाया, उसके जो फैट है उसको तोड़ने के लिए अलग एंजाइम होता है। आपने प्रोटीन खाया, प्रोटीन को तोड़ने के लिए अलग एंजाइम होता है। मतलब ये जो तोड़ने वाली जो चीज है, एंजाइम्स जो है, वो भी हर एक चीज के लिए अलग अलग होते हैं। तो अगर आपके खाने में प्रोटीन की कमी है तो आपका खाना ही अच्छे से नहीं पचेगा। आपने अच्छा खाना खाया, सब कुछ अच्छा खाना खाया, लेकिन बॉडी में जब खाना गया वो अच्छे से पचेगा ही नहीं, तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। बॉडी जब उसको ले नहीं पाएगा तो आपको पौष्टिक तत्व ही नहीं मिल पाएंगे। मतलब प्रोटीन जो है वो आपके खाने पचाने में भी हेल्प करता है, और बस खाना पचाने की बात नहीं है, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं। उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस इतना समझ लीजिए प्रोटीन इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तीसरी चीज क्या है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इसमें एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ हीमोग्लोबिन का। हम सबको पता है हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, लाल रक्त कण भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है, जब भी आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी पे जाता है तो हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन चिपक जाता है, और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने का काम ये हीमोग्लोबिन हमारा करता है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या है, ये भी एक तरीके का प्रोटीन है। तो अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो आपको हीमोग्लोबिन की भी प्रॉब्लम देखी जाएगी। तो इसीलिए अगर बात करें, अगर किसी के बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो आगे चलकर उसको ये भी इशू देखा जाता है। प्रोटीन हमारी चीजों में, बॉडी में बहुत सारी चीजें जमा करने का, स्टोरेज करने का भी काम करता है। प्रोटीन हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है हमारे आंखों की जो रोशनी है ना, वो भी रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की वजह से देखी जाती है। तो अगर आपको आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, इसका मतलब क्या है, आपके खाने में अच्छे से प्रोटीन नहीं है। अगर आपके खाने में अच्छे से प्रोटीन नहीं होगा तो आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगेगी। आपके बॉडी में हम खड़े किसकी वजह से हैं, हमारी मांसपेशियों, हमारी हड्डियों की वजह से आज हम खड़े हैं या अपना काम कर पाते हैं। आपको बताया हमारी बॉडी में जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, बोन्स हैं, इन सब में प्रोटीन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी मांसपेशियां, मसल्स तो बने ही है प्रोटीन के। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, वो प्रोटीन पाउडर जरूर लेते हैं, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो उनके जो मांसपेशियां हैं वो टूटती हैं, बनती हैं। तो इसीलिए अगर आप वो प्रोटीन लेंगे तो जो भी टूटा या जो भी कुछ वहाँ पे चीजें टूटी हैं या आपके, तो रिपेयर करने में वो मदद करता है। तो आपके जो मसल्स हैं उसको अच्छा रखने में प्रोटीन मदद करता है, आपके बोन्स को भी अच्छा रखने में प्रोटीन मदद करता है। हमने हमेशा देखा पढ़ा है कि हमारे हड्डियों में कैल्शियम होता है, कैल्शियम से बनी होती है, लेकिन आपको पता है हमारी हड्डियों में 20% प्रोटीन का भी एक बहुत बड़ा एक योगदान होता है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। किस तरीके से, एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। आप कोई वॉल बनाते हैं, दीवार खड़ी करते हैं, तो आप उसमें अगर बस ईंटें लगाएंगे तो शायद वो दीवार थोड़ी देर में गिर भी जाएगी, लेकिन ईंटों के साथ, ब्रिक्स के साथ हम क्या ऐड करते हैं, हम उसमें सीमेंट लगाते जाते हैं। ईंटें अगर हमें 80%, अगर ब्रिक हमें 80% चाहिए तो 20% हमें सीमेंट भी चाहिए जो उसको मजबूत करके रखती है। तो आप ये समझ कर सकते हैं कि कैल्शियम जो है वो आपका ईंटे जैसा काम कर रहा है, और जो प्रोटीन है वो कहीं ना कहीं सीमेंट जैसा काम कर रहा है। तो प्रोटीन बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके हड्डियों और आपके मसल्स को अच्छा रखने में। तो अभी हमने देखा कि प्रोटीन ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें प्रोटीन हेल्प नहीं करता है। प्रोटीन बहुत जरूरी चीज है हमारी बॉडी के लिए। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था, जो मैंने अमाइनो एसिड्स बोला था, ये वर्ड याद रखिएगा, आगे हम अमाइनो एसिड्स पे बहुत सारी चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे। अब आपके बॉडी में अगर आप प्रोटीन अच्छे से नहीं ले रहे तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी।
सबसे पहला प्रॉब्लम है, आपको हमेशा फूड क्रेविंग होगा, खाने में आपको हमेशा हमेशा भूख लगेगी। इसका एग्जांपल क्या है, आपने अभी थोड़ा सा आपने अभी अच्छे से ब्रेकफास्ट किया, लेकिन एक घंटे बाद आपको फिर से भूख लगना स्टार्ट हो गई। आपने लंच किया लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से आपको भूख लगना स्टार्ट हो गई। अगर आपको ऐसा सिम्टम आ रहा है, इससे आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में जब प्रोटीन की कमी होती है तो ही हमारी बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि हमें भूख लगी है। जैसे आप एग्जांपल समझिए, जब हम खाना खाते हैं, कहते हैं हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट, वेट, विटामिन के साथ प्रोटीन भी होना जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन के पास एक क्षमता होती है, एक पावर होती है। जब आप खाना खाते हैं, आपके दिमाग को एक सिग्नल भेजने में प्रोटीन हेल्प करता है कि यस पेट भर गया है। जैसा आपने महसूस किया होगा, जब मार्केट में बहुत ज्यादा पिज्जा, चाइनीज, ये सब चीजें जब हम खाते हैं तो हम ज्यादा खा लेते हैं, फिर हमें बाद में पता चलता है अरे यार पेट तो बहुत ज्यादा खा लिया मैंने। क्यों? ये सारी चीजें जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है ना, वो आपके ब्रेन को तुरंत सिग्नल नहीं भेज पाती और हम उसमें ज्यादा ओवर ईट करते हैं। लेकिन आप एक अच्छा सा प्लेट में सैलेड वगैरह लीजिए, प्रोटीन रिच खाइए, आप थोड़ा सा खाने के बाद आपको भूख कम लगेगी, क्योंकि वो तुरंत आपके आपके दिमाग को एक सिग्नल भेज देता है जैसे आपका पेट भरता है और आपको भूख नहीं लगती है। तो प्रोटीन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपको बहुत देर तक पेट आपका भरा रखने वाली आपकी फीलिंग देता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो धीरे धीरे पचने में मदद करता है, धीरे धीरे पचता है तो आपको बहुत ज्यादा देर भूख नहीं लगती है। तो अगर आपको ज्यादा भूख लग रही है, मतलब बॉडी में प्रोटीन की कमी है। बहुत सारे लोगों को मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपकी आपको बताया, हमारी बॉडी में हर सेकेंड जब भी हम कोई काम करते हैं या खासकर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मांसपेशियां टूटती हैं, बनती हैं। इसीलिए हमें डेली रिपेयर के लिए बॉडी में प्रोटीन चाहिए। कितना चाहिए वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो अगर हमें उस मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है तो हमारे मसल्स वीक होने लगते हैं, हमारे जॉइंट्स वीक होने लगते हैं, हमारी हड्डियां वीक होने लगती है, तो ये भी प्रॉब्लम देखा जाता है। तो जिनको हमेशा ही मांसपेशियों में दर्द रहता है या जोड़ों में दर्द रहता है, उनके खाने में प्रोटीन की कमी है, इसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। बहुत सारे लोगों को आजकल इश्यू होता है कि बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, स्किन अच्छी नहीं है, या स्किन बहुत ड्राई हो रही है, स्किन अच्छी नहीं है, स्किन पे बहुत ज्यादा आपको डलनेस नजर आ रहा है, या नेल्स बहुत ज्यादा ब्रिटल है, मतलब नेल्स कुछ लोगों के ना तुरंत टूट जाते हैं, हल्का सा भी हुआ और टूट गए। इसका कारण पता है क्या है? हमारे जो बाल है वो केराटिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं। आपकी स्किन को अच्छा रखने में प्रोटीन एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। और आपके नेल्स, बहुत सारे आपने सुना होगा ये क्रीम लगाओ आपकी स्किन अच्छी होगी, ये प्रोटीन लगाओ आपके बाल अच्छे होंगे, आपके नेल्स अच्छे होंगे। याद रखिएगा, ऊपर से लगाने से अच्छा है अगर आप अंदर कुछ ऐसा प्रोटीन डालें जो आपके इंटरनली आपके वो बाल अच्छे करेगा, आपकी स्किन को अच्छा रखेगा और आपके नेल्स को मजबूत करेगा। इसीलिए अगर बात करें तो प्रोटीन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके नेल्स, स्किन और आपके बालों को अच्छा रखने में। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आप साथ में प्रोटीन पाउडर जरूर इंक्लूड करिए, आपके हेयर फॉल पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। पैरों में पानी जमना भी स्टार्ट हो जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो ज्यादा खाते नहीं है, दुबले पतले ही होते हैं, लेकिन पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला होता है, या पैरों में बहुत ज्यादा पानी जमा होता है, या हाथ में बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है। इसका कारण पता है क्या है? प्रोटीन हमारी बॉडी में एक फ्लूइड को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। जैसा आप सबको पता है, हमारे खून में एक प्रोटीन है जिसको आपको नाम रटने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि आपका पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। हमारे खून में एल्बुमिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो हमारे पूरे खून में सर्कुलेट करता रहता है। अब होता क्या है, ये जो प्रोटीन है वो आपके कोशिकाओं के अंदर और बाहर के पानी को, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखने में मदद करता है। अब आपके खाने में अगर प्रोटीन की कमी होगी तो वो बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी जो है वो आपके सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा, उसके बाहर ही जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों को पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ कुछ बच्चे जिनको प्रोटीन की कमी है, उनका पेट बहुत ज्यादा बाहर निकल जाता है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, पेट बहुत ज्यादा बाहर निकल गया, तो आपके खाने में प्रोटीन की कमी है, इसलिए जो वाटर रिटेंशन है, फ्लूइड रिटेंशन है, वो ज्यादा हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर पैरों में स्वेलिंग हो रही है तो अपने खाने में थोड़ा प्रोटीन इंटेक आप बढ़ाइए, आप इस प्रॉब्लम से भी आपको हेल्प मिल सकती है। बहुत जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं। अब हम बीमार क्यों होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज आप नाम के कुछ सिपाही होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, जैसे बाहर से कोई कीटाणु हमारी बॉडी पे हमला करता है वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए जो आपके खाने में प्रोटीन की कमी होती है तो आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और जब इम्यूनिटी कम होने लगती है तो आप जल्दी बीमार हो जाते हैं। थोड़ा सा भी मौसम चेंज हुआ, नहीं कि आप बीमार हो गए,
तो अगर घर में कोई बच्चा है वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो रहा है, आप उसके खाने में ये प्रोटीन पाउडर जरूर डालिए। बच्चों के लिए प्रोटीन पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उनको बचपन से अगर राइट न्यूट्रिशन मिलेगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको आगे आगे चलकर ये सब जो प्रॉब्लम है उससे वो बच सकते हैं। आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है, मैंने पहले भी बताया बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी इसलिए कमजोर होती है क्योंकि खाने में अगर हमारे प्रोटीन की कमी है और आंखों की जो रोशनी है आपकी जो आई साइट है वो रोडॉप्सिन नाम के प्रोटीन की वजह से होता है। तो अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है इसका मतलब आपके खाने में प्रोटीन की कमी देखी जा रही है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, 4 साल 5 साल के बच्चों को मोटा मोटा चश्मा लग गया है, बॉडी में प्रोटीन की कमी की वजह से भी ये सारी चीजें देखी जाती है। तो आप बच्चों को ये उनके डाइट में आप कैसे देना है वो भी मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी जो मैंने अपने घर में यूज किए हैं, वो तरीके मैं आज आपसे शेयर करूंगी। आप जल्दी बीमारियों से ठीक नहीं हो पा रहे, इसका एक सिम्टम क्या है, आपने देखा होगा कुछ लोगों का अगर कोई वुंड हो जाता है, कोई कट लग जाता है, चोट लग जाता है तो वो जल्दी हील नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है अगर आपको कोई कट लग गया है, खून बह रहा है, खून को बंद करने जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं उसमें भी प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके जो जख्म है उसको जल्दी भरने में भी प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोलाजन बनाने में मदद करता है। मतलब क्या है कहने का, अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो पहली बात आप जल्दी बीमारियों से ठीक नहीं हो पाएंगे, आपको कोई चोट लग गया, वुंड लग गया तो आपका जो जख्म है वो जल्दी भरेगा ही नहीं। तो प्रोटीन आप देख रहे कितने इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में करता है। आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती, कुछ लोगों को होता है ना बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है या स्ट्रेस रहता है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है खाने में अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। इसका होता क्यों है, हमारा जो मूड है ना वो हमारे बहुत सारे बॉडी जो आपका दिमाग है आपकी जो बॉडी है कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स पे काम करती है। और अगर बात करें वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है उसमें कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स की जरूरत होती है, जैसा अगर आपको याद होगा मैंने फाइट स्ट्रेस में बताया था कि ऑक्सीटोसिन नाम के कुछ अच्छे हॉर्मोन्स होते हैं जो हमें अच्छी फीलिंग देते हैं, डोपामाइन ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में निकलते हैं, वो तभी निकल पाते हैं, वो तभी अच्छे से रिलीज होते हैं जब हमारी बॉडी में ट्रिप्टोफैन ऐसी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स की जरूरत होती है। अगर वो अमाइनो एसिड्स की कमी है मतलब आपके खाने में प्रोटीन की कमी है तो आपको मूड स्विंग्स होंगे, आपको ज्यादा रात में अच्छी नींद नहीं आएगी। इसीलिए अगर आपने ध्यान से सुना होगा या आपने कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में सुना होगा, आयुर्वेद में कहते हैं कि सुबह फलों का जूस पियो, दोपहर में छाछ पियो, रात में दूध पियो। रात में दूध पीने का कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि दूध में सबसे पहले प्रोटीन पाया जाता है और दूध में ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमाइनो एसिड पाया जाता है जो आपको अच्छी नींद लाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। रेम निद्रा में भी ये इंग्रेडिएंट डाला गया है ट्रिप्टोफैन, जो आपको अच्छी नींद लाने में मदद करता है। और ये ट्रिप्टोफैन क्या है, ये आपका एक अमाइनो एसिड है। तो अगर बात करें तो आपने देखा कि प्रोटीन की कमी की वजह से हमें कितने सारे इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन बात करें हमें प्रोटीन की जरूरत क्यों है, कहते हैं 10 में से 9 भारतीयों के खाने में आज प्रोटीन की कमी देखी जा रही है और मुंबई के लोग खासकर इसमें माना जाता है। बहुत सारे मुंबईकर्स ऐसे भी हैं जिनके खाने में आज प्रोटीन की कमी देखी जा रही है। और बोला जाता है जो भी लोग आज शहरों में रहते हैं ना 73% लोगों के खाने में प्रोटीन की कमी देखी जा रही है, और बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनके ही खाने में प्रोटीन की कमी देखी जा रही है, तो बच्चों के खाने में तो ऑब्वियसली देखी जाएगी। कहते हैं 62% जो प्रेग्नेंट और वुमेन जो है जो लैक्टेटिंग है जो बच्चों को दूध पिला रही है उनके खाने में आज प्रोटीन की कमी देखी जा रही है। तो अगर आप समझ सकते हैं अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है उसके खाने में प्रोटीन की कमी है तो जो होना वाला बच्चा होगा वो ऑलरेडी फिर वीक होने लगता है, उसकी इम्यूनिटी कम होने लगती है। इसीलिए प्रोटीन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और आज लगभग 73% लोग जो शहरों में उनके खाने में आज प्रोटीन की कमी देखी जा रही है। कहते हैं आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन है मतलब वो नॉनवेज नहीं खा रहे, दे आर प्योर वेजिटेरियन, उनमें 84% लोगों के खाने में प्रोटीन की कमी देखी जा रही है। क्योंकि आपको भी पता है जैसा हम सब जानते हैं कि जब हम आज बहुत सारी जो दाल या ऐसी बहुत सारी चीजें जो खेती में उगाई जा रही है उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम होती जा रही है। और आपको पता है हमारे बनाने का जो तरीका भी है ना, चाहे वो दाल है या बहुत सारी चीजें, पहले के जमाने में वो खुले बर्तन में आपको दाल पकाई जाती थी तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंटैक्ट रहती थी। आज जो हम नए नए तरीके कुकर में ऐसी चीजों में जो हम दाल भी बनाते हैं ना वो भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम कर देता है। तो कारण बहुत सारे जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है। बात करें कितना लेना है प्रोटीन, कहते हैं नॉर्मली अगर आप
कि नॉर्मल लाइफस्टाइल है, आप सुबह उठ रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, अभी तो कोई नहीं जा रहा, अभी सब अपने घरों में है, तो आपको मिनिमम 0.8 से 1 ग्राम तक प्रोटीन या 1.5 तक मैक्सिमम आप ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आपका वेट 70 kg है तो आपको रोज लगभग 60 से 70 ग्राम प्रोटीन आपको रोज खाना है। लेकिन अगर आप खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, आप कुछ हैवी एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं तो आप 2 ग्राम तक प्रोटीन ले सकते हैं। 70 केजी वेट है तो लगभग आप 140 ग्राम प्रोटीन आप दिन भर में लेना जरूरी है। प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जो लैक्टेटिंग मदर है उनको थोड़ा ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे का भी उनको सारा कुछ देखना है, बच्चे का ग्रोथ उनके खाने पर डिपेंड कर रहा है, तो उनको भी ये प्रोटीन थोड़ा ज्यादा लेने की जरूरत होती है। और अगर आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना, अगर कोई भी अक्यूट इलनेस है या मतलब आपको हड्डियों की प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, आप उन सब केसेस में प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। किसमें नहीं लेना है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगी, तो आप उसमें भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी कंपनी क्या लेकर आई है। माय फ्रेंड, हमारी कंपनी का जो ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट का है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है मार्केट के प्रोडक्ट से। इसका मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, अगर बात करें जैसे एक सिंपल सी चीज है, आप जब प्रोटीन लेते हैं तो मार्केट का जो प्रोटीन है वो नॉर्मली वही लोग लेते हैं जिनका हैवी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम वे प्रोटीन वगैरह लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रोटीन बनाया गया है जो ऐसे घर के लिए बनाया गया है, कोई लेडीज है, जेंट्स है, सब लोग इस प्रोटीन को ले सकते हैं, घर का बच्चे को भी आप ये दे सकते हैं। तो इसमें तीन चीजें डाली गई है, वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन एंड पी प्रोटीन, और प्लस एलिमेंट्स का है तो 2 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी डाली गई है, आंवला और ब्राह्मी। तो ये 5 चीजों के कॉम्बिनेशन से ये प्रोटीन हमारा बनाया गया है जो आपके स्ट्रेंथ, आपके स्टैमिना को मजबूत करता है। आप किसी भी चीज में मिक्स करके खा सकते हैं। घर में बच्चों को देना है तो जब आप आटा, बच्चों के चपातियां बना रहे हैं तो आटे में आपने मिक्स करके बच्चे को बनाकर दे सकते हैं। आप किसी भी चीज में मिक्स करके इसको दे सकते हैं। वे प्रोटीन क्या होता है, आपने देखा होगा हम दूध में जब थोड़ा सा लेमन जूस डालते हैं तो दूध फट जाता है, फटे हुए दूध को निकाल देते हैं और जो पारी जैसी चीज बच जाती है उसको फिर सुखाया जाता है, उसके कीटाणु मारे जाते हैं, उसको प्योर किया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, दैट इज योर वे प्रोटीन। वे प्रोटीन जो है उसमें हमने वे प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेट यूज किया है, और वे प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन इसलिए माना जाता है क्योंकि 9 अमाइनो एसिड्स उसमें हमने डाले हैं, उसमें पाए जाते हैं, सॉरी डाले नहीं, उसमें ऑलरेडी पाए जाते हैं। तो वे प्रोटीन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कैंसर होने से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अस्थमा के पेशेंट्स में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं, ब्लड प्रेशर है या हार्ट डिजीज, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या जो HIV पेशेंट्स होते हैं उनमें सडन वेट लॉस हो जाता है, और वेट लॉस करने में भी वे प्रोटीन का बहुत बड़ा हेल्प है। सोया प्रोटीन जो है वो सोयाबीन के दानों से निकाला जाता है, हमने इसमें सोया प्रोटीन के आइसोलेट्स यूज किए। सोया प्रोटीन भी कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है, कंप्लीट मतलब 9 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। सोया प्रोटीन आपके हार्ट डिजीज पे काम करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, खासकर वो लेडीज जिनकी एज 50 प्लस हो गई है, मेनोपॉज हो चुका है, आगे चल के पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, वो लेडीज प्रोडक्ट को जरूर ले। कैंसर होने से बचाता है, किडनी हेल्थ को अच्छा करता है, डायबिटीज और आंखों की हेल्थ को भी अच्छा करता है। लास्ट में हमने इसमें पी प्रोटीन डाला है, पी प्रोटीन जो ग्रीन पीज होता है उससे निकाला जाता है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन होता है। तीसरी जो लाइन है वो कह रही है BCAA, इसका मतलब होता है ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। हमारी बॉडी में जो 9 अमाइनो एसिड्स मैंने आपको बताया ना जो जरूरी होते हैं बॉडी नहीं बना पाता, उनमें से 3 अमाइनो एसिड जब एक साथ जुड़ जाते हैं उनको हम BCAA कहते हैं, और ये आपके मसल्स को बढ़ाने में मदद करता है। BCAA के अलग से डब्बे आते हैं मार्केट में जो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो पी प्रोटीन जो होता है वो बहुत धीरे धीरे पचता है, आपको बहुत देर तक पेट भरा रखने की आपको फीलिंग देता है, और जब आप इसको रात में लेते हैं तो आपको रात में अच्छी नींद आती है। लैक्टोज फ्री है, याद रखिएगा कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, जैसे दूध वाली कोई चीज खाते हैं तो उनको उल्टी होने लगता है, जिनको लैक्टोज इनटॉलरेंस की प्रॉब्लम है वो भी इसको ले सकते हैं, और जिनको ग्लूटेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जो भी आप मैदा या गेहूं खाते हैं उसमें ग्लूटेन पाया जाता है, कुछ लोगों को ग्लूटेन की वजह से स्मॉल जो एंटेस्टाइन है छोटियां तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है वो भी ले सकते हैं, जिनको दूध से एलर्जी है वो भी ये ले सकते हैं। आंवला, जैसा हम सबको पता है आंवला एक एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ही इसमें ज्यादा विटामिन सी होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करता है, आपके लिवर को अच्छा करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है। ब्राह्मी आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, छोटे बच्चों को जब आप ये प्रोटीन पाउडर देते हैं तो उनके दिमाग को अच्छा रखने में मदद करता है। मतलब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बॉडी तो है बट बुद्धि नहीं है उनके पास, मतलब दिमाग नहीं है उनके पास, तो ये आपकी बॉडी को भी अच्छा रखता है और आपके दिमाग को भी स्ट्रांग करता है, आपकी मेमोरी को शार्प करता है। अब इसमें क्या बेनिफिट है, मार्केट से कैसे अच्छा है,
सबसे पहले इसमें वे प्रोटीन डाला गया जो सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है, प्लस पी प्रोटीन डाला गया, ऐसा कॉम्बिनेशन मार्केट में नहीं मिलेगा। आंवला और ब्राह्मी डाला गया है, मार्केट की किसी भी प्रोटीन पाउडर में आपको आंवला और ब्राह्मी नहीं मिलेगा। फैट कम है, सबके लिए अच्छा है, कोई भी इंसान उसको ले सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, हमारे इस प्रोटीन का PDCAAS स्कोर, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, ये स्कोर क्या है, 1 है। ये स्कोर आपके प्रोटीन पाउडर की क्वालिटी बताता है कि आप जो अमाइनो एसिड ले रहे हैं आपका बॉडी उसको कितना ले पा रहा है, डाइजेस्ट कर पा रहा है, यूज कर पा रहा है। अगर किसी प्रोटीन का पीडी का स्कोर 1 होता है तो वो सबसे अच्छा प्रोटीन माना जाता है। तो हमारे प्रोटीन का पीडी का स्कोर 1 है और वो आपको सारे 9 के 9 अमाइनो एसिड जो बॉडी नहीं बना पा रहा वो सारे 9 के 9 अमाइनो एसिड्स आपको देता है। हमारा प्रोटीन मार्केट में अच्छा क्यों है, मार्केट का 100 ग्राम खाते हैं तो 30-40 ग्राम ही प्रोटीन रहता है, एलिमेंट्स का 100 ग्राम खाते हैं तो 80 ग्राम प्रोटीन रहता है और 13.9 ग्राम BCAA देता है, तो एक अच्छा प्रोटीन माना जाता है। किधर नहीं देना है, जो भी किडनी के फेलियर के पेशेंट्स हैं या जिनका डायलिसिस चल रहा है, देखिए बहुत सारे केसेस में जिनका डायलिसिस चल रहा है डॉक्टर्स कभी कभी उनको रिकमेंड करते हैं क्योंकि डायलिसिस के टाइम पे बॉडी से प्रोटीन कभी कभी बहुत ज्यादा निकल जाता है क्योंकि वेट लॉस होता है, लेकिन कभी भी किसी डायलिसिस के पेशेंट को आपको ये प्रोडक्ट बिना उनके डॉक्टर से सजेस्ट किए नहीं देना है। तो आपको किडनी फेलियर या ऐसे सीरियस केसेस में आपको जाना ही नहीं है। यूरिक एसिड, जैसा आप बीच में फोटो दे रहे हैं, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें यूरिक एसिड जमा हो जाता है, तो यूरिक एसिड जमने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, बॉडी में पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, तो यूरिक एसिड में हमें प्रोटीन कंटेंट बिल्कुल ही कम करना है, उस समय हमें प्रोटीन नहीं खाना है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को उनके डॉक्टर से कंसल्ट करके आप दे सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए सेफ है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं, आप उनको दे सकते हैं। तो ये हमारी कंपनी का प्रोटीन पाउडर था जिसके ऊपर हमने बात किया। अभी हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स कवर कर लिए, 95 से लेकर इम्यूनो 3 प्लस, वेल हार्ट, डेली टॉक्स, बहुत सारे प्रोडक्ट कवर किए हैं। आज हमने प्रोटीन पाउडर भी कवर किया, कल हम अपने 2 प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, यूरी फ्लश लिक्विड एंड पहली बार यूरी फ्लश टैबलेट की प्रॉपर ट्रेनिंग होने जा रही है जो आज तक नहीं हुई है, तो कल यूरी फ्लश टैबलेट के बारे में हम डिटेल में जाकर बात करेंगे। जिन्होंने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट में ABC 3 तरीके के कस्टमर आपको मिलेंगे, हमारा मार्केट ए और बी का है, जो लोग अच्छे हैं वे हेल्दी हैं, आगे नहीं चाहते कि कोई बीमारी हो उनको देना है, और जिनको हल्की फुल्की प्रॉब्लम है उनको दे सकते हैं। प्लीज क्रिटिकल पेशेंट, सीरियस पेशेंट के पास हमें नहीं जाना है, उसके लिए मार्केट में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो है उनको संभालने के लिए। आपका मार्केट ए और बी का है तो आपको ए और बी पे ही हमें फोकस करना है, प्लीज पेशेंट्स को मत ढूंढिए। और हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट जो ई कॉमर्स साइट पे हैं वहां से आपको नहीं खरीदना है, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सस्ते रेट्स में कुछ प्रोडक्ट्स लोग डाल रहे हैं, वो फेक हो सकते हैं, एक्सपायर्ड हो सकते हैं, कंपनी उसकी कोई गारंटी नहीं देती। जब भी कोई प्रोडक्ट लेना है इंडिया शॉपी के आउटलेट से ही लेना है। आपको जिन्होंने भी इस प्रोडक्ट के बारे में बताया है आप उनसे कंसल्ट करें, इंडिया शॉपी के आउटलेट पे जाएं, आपको वो बता देंगे कैसे आपको कहां से प्रोडक्ट मिलेंगे। indiashopee.com ये हमारा ऑफिशियल आपको वेबसाइट है जहां पे जाकर आप प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आज की हम कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, जिनको भी क्वेश्चन आंसर कुछ इससे रिलेटेड है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, प्रोटीन पाउडर से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछिएगा जिनको भी है। फिर से लोग वही पूछ रहे हैं, टीवी की दवाई है 2 साल पहले ली थी, बिल्कुल दे सकते हैं, मैंने आपको बताया आप इसको आप कभी भी ले सकते हैं, आप दूध में, पानी में कभी भी ले सकते हैं, आप आटे में मिलाकर खा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। कलर जो डब्बे के अंदर है प्रोटीन का वही उसका एक्चुअल कलर है, तो आप स्लाइड्स के उस पर मत जाइए। डोजेस मैंने बताया, अगर आपका एक जो हमारा जो चम्मच उसमें डाला गया है प्रोटीन पाउडर में वो 10 ग्राम का है, तो अगर आप एक चम्मच ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में 10 ग्राम प्रोटीन जा रहा है, तो अगर आपने 2-3 चम्मच भी लिया तो भी काफी है क्योंकि खाने से भी प्रोटीन मिल रहा है। तो आपको सारा भी प्रोटीन ये नहीं करना है कि रोज 10 चम्मच खाना है। हाँ, अगर आप हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो आप अपने प्रोटीन का डोजेस बढ़ा सकते हैं। एज लिमिट आप बच्चों को भी दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटीन उनको अभी से उनको बढ़ाने में मदद करेगा। और याद रखिए, अगर प्रोटीन की कमी होती है तो हाइट भी बच्चों की अच्छे नहीं बढ़ती है, तो बच्चों की हाइट भी बढ़ाने में मदद करेगा। ऐसे नहीं खा पा रहे उनको आप आटे में, चपाती में मिलाकर, आप उनकी चपातियां में बनाकर दे सकते हैं, किसी भी चीज में आप मिलाकर दे सकते हैं। यस, आप न्यूट्रीलाइफ और प्रोटीन पाउडर को मिलाकर भी दे सकते हैं, न्यूट्रीलाइफ से थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा और प्रोटीन अपना काम भी कर लेगा। छोटे बच्चों को दे सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, 4-5 साल के बच्चों को भी दे सकते हैं, प्रोटीन तो सबके लिए जरूरी है, तो उनको थोड़ा सा कम करके ही डालिएगा।
बिल्कुल ये वेजिटेरियन है हमारा, हमारे जो भी प्रोडक्ट है सारे वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, हमारे तो कैप्सूल भी वेजिटेरियन होते हैं, तो जो भी वेजिटेरियन लोग हैं वो बिल्कुल ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। 12 साल का बच्चा है, उसको चश्मा लगा हुआ है, देखिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि चश्मा उतर जाएगा, बट आप अच्छी अगर डाइट देते हैं तो आईसाइट इम्प्रूव होती है, अच्छी होती है, तो आप उसमें प्रोटीन पाउडर, स्पिरुलिना गोल्ड ये सब कुछ दे सकते हैं, ले सकते हैं प्रोटीन के साथ भी स्पिरुलिना ले सकते हैं, लेकिन दोनों में ही प्रोटीन है, तो अगर आप ले दोनों साथ में ले सकते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो साथ में स्पिरुलिना का भी ले सकते हैं। 95 स्पिरुलिना गोल्ड एंड प्रोटीन ले सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। पानी में बिल्कुल ले सकते हैं, पानी में भी मिलाकर आप इसको ले सकते हैं, बट इसका कोई टेस्ट नहीं है तो शायद आपको कोई टेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप दूध या पानी के साथ मिलाकर ले सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। PCR बढ़े हुए हैं तो क्या दे सकते, आप दे सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके PCR के उसको कम कर देगा, बट हाँ आप दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल इंसुलिन के पेशेंट्स को भी आप दे सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। जो जैसा मैंने बताया, जो हमारा इंसुलिन है वो भी प्रोटीन का ही कहीं ना कहीं बना हुआ है, तो आप उसमें दे सकते हैं। देखिए अर्थराइटिस के पेशेंट को थोड़ा सा मैं अवॉइड करने को ही बोलूंगी, वैसे अर्थराइटिस में ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, अर्थराइटिस बेसिकली एक स्वेलिंग हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपके जॉइंट्स में और ये सब में, तो लेकिन अगर यूरिक एसिड एक बार आप उनका चेक करिए, अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो उस केस में मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। बिफोर एंड आफ्टर मील का कोई ऐसा टेंशन नहीं है, आप बिफोर मील भी ले सकते हैं और आफ्टर मील भी ले सकते हैं, जब भी आपको सूटेबल हो आप तब भी ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। डिलीवरी हुआ है वुमेन ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है, एक बार उनके डॉक्टर को भी आप दिखाकर कंसल्ट कर लीजिए कि मैं ये वाला प्रोटीन ले रहा हूँ, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज को भी दे सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है, क्योंकि आपके उसको कम करता है, फैट को कम करता है और आपके मसल्स मास को बढ़ाने में मदद करता है। क्वेश्चन ना अच्छे से टाइप करिए, कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा। पैरालिसिस, देखिए प्रोडक्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरालिसिस भी है तो आप दे सकते हैं, बट कभी भी ये बोलकर मत दीजिएगा कि ट्रीट कर देगा। जैसा मैंने पहले आपको बताया, ये सप्लीमेंटेशन है, सप्लीमेंटेशन आपको एडजुवेंट जैसा काम करता है, जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, जो भी चीजें ले रहे हैं उसके साथ आप मिलाकर ले सकते हैं। प्रोटीन आप हमेशा ले सकते हैं, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है कि 2 महीने 3 महीने, प्रोटीन आप हमेशा ले सकते हैं। दाल ये सब चीजें, राजमा तो हम जिंदगी भर खाते हैं ना, तो प्रोटीन रोज हमें चीजें जरूरत होती है, तो आप हमेशा इसको अपने डाइट में ले सकते हैं। देखिए इससे वेट गेन नहीं होता है, ये आपका मसल मास इंक्रीज करता है, तो और आपके फैट को कम करता है, मसल मास को इंक्रीज करता है, आपको भूख कम लगता है, तो इससे वेट गेन नहीं होगा, आपके मसल मास इंक्रीज होंगे तो आपकी मांसपेशियां अच्छी होंगी। यस डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल दे सकते हैं, ये शुगर फ्री है, तो डायबिटिक पेशेंट को भी आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। मैंने भी बताया हमारा प्रोटीन पाउडर क्यों बेस्ट है, इसका पीडिका स्कोर 1 है, सारे अमीनो एसिड्स में पाए जाते हैं, मार्केट का प्रोटीन बस प्रोटीन के साथ होता है। इन दिस वी हैव आंवला एंड ब्राह्मी 2, हमने इसमें आंवला और ब्राह्मी दोनों डाला है, 3 तरीके के प्रोटीन का कॉम्बिनेशन हमने लिया है, तो बहुत सारी चीजें जो बताती है कि हमारा प्रोटीन मार्केट से अच्छा है। दूसरी चीजें, कोल्ड वाटर में लू या हॉट वाटर में, नॉर्मल वाटर में लेना है, ना कोल्ड ना हॉट, आपको नॉर्मल वाटर में भी आप लेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। या अगर आप कोई मिल्क शेक वगैरह बना रहे हैं तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, तो अगर वो ठंडा है तो चलेगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आप कोई भी मिल्क शेक या कोई भी जूस वगैरह भी बना रहे हैं तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। चलिए आज की ट्रेनिंग हम यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच, कल हम फिर मिलेंगे अपने यूरिफ्लश लिक्विड और पहली बार यूरिफ्लश टैबलेट की ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू सो मच।